मार्केट से भी सुंदर 4D वॉल हैंगर बना सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चे में। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। कार्डबोर्ड ले, 2 इंच बॉर्डर छोड़ते हुए गोलाई में कटिंग कर ले। कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये 11.5 इंच का है। इसके साथ ही बर्ड और फिश की ड्राइंग को भी कटिंग कर ले। अगर अंदर की गोलाई 6 इंच की है तो फिश की चौड़ाई 5 इंच की होनी चाहिए। दोनों सर्कल को ब्राउन टेप से कवर करें। अगर आपके पास ब्राउन टेप नहीं है तो वाइट वाला टेप भी चलेगा। ब्राउन टेप इसलिए कि जैसे हम वॉल पुट्टी से काम करेंगे तो मॉइस्चर से ये आपका शेप, कार्डबोर्ड का जो शेप है वो खराब नहीं होगा। अब आपको पतला तार लेना है। हार्डवेयर स्टोर पे ये आसानी से उपलब्ध है, बहुत ही कम कीमत पे। तो तार को इस तरह लपेटें और ऊपर और नीचे 2 सर्कल बना ले। इसी के साथ फिश और बर्ड में भी तार का इस्तेमाल कर हैंगर की तरह बना ले और इसे शेप देने के लिए पॉलीथीन को लपेट कर इस तरीके से सेलो टेप से चिपका दे। चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इसके पाउडर से केवल पानी मिलाकर हम बहुत ही बढ़िया डो बना सकते हैं। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे आप पहले डो बनाना सीखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, फिर आगे काम करें। एक बार डो जब बन जाए तो ये 4 घंटे तक स्टेबल होता है। डो को हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखते हैं। इसी डो से आप पतले पतले शीट्स बनाएं, ये आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल नॉन स्टिकी। और केवल पानी की सहायता से इस शीट को सर्कल पे चिपकाएं, यानी इस शीट को सर्कल पे आपको केवल रखना है और जो किनारे का एरिया है उसे केवल उंगलियों पे पानी लगाकर हल्का सा दबाव दें। 2 शीट के बीच का जो गैप है उसे भी आप केवल पानी की सहायता से स्मूथ कर ले। ये बिल्कुल एक सार हो जाएंगे, ज़रूरत लगे तो केवल पानी लगाकर ऊपर से स्मूथ कर लें। अब हम इसे ड्राई होने देंगे और जो फिश और बर्ड है उसके क्राफ्ट पे यानी उसके शेप पे भी हम ठीक यही तरीका अपनाएंगे। केवल हमें एक तरफ कवर करना है और ड्राई होने देना है और जैसे सूख जाए तो फिर हम दूसरी तरफ काम करेंगे। वॉल पुट्टी में इसी तरीके से लेयर वाइज काम करते हैं। अगर आप दोनों तरफ एक बार करेंगे तो पहले वाले का शेप खराब हो जाएगा क्योंकि वॉल पुट्टी का जो डो है वो रन करता है। दोनों तरफ लेयरिंग होने के बाद जब आपका क्राफ्ट अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो आप 320 नंबर का रेगमाल यानी सैंड पेपर ले और इसे फिनिश करें। जहाँ पे अनइवन एरिया है उसको इवन करें। जैसे ही क्राफ्ट स्मूथ हो जाता है तो HB पेंसिल की सहायता से मनपसंद पैटर्न बनाए। दोस्तों, इस कोन के अंदर मार्बल पाउडर और फेविकोल का मेहंदी जैसा पेस्ट है। इसके साथ ही ये 3D आउटलाइनर है। मार्बल पाउडर और फेविकोल से पेस्ट कैसे बनता है, कोन कैसे बनता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके अच्छी तरीके से ये सीख सकते हैं। तो हमने जो ड्राइंग किया था, पैटर्न बनाया था, उसी पैटर्न के ऊपर हमें इसी कोन से कोनिंग करनी है। कोनिंग करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, जब 2 लाइनें एक साथ पैरेलल चलानी हो तो एक लाइन को चलाकर छोड़ देना चाहिए। जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए तभी उसके साथ यानी पैरेलल वाली लाइन हमें चलानी चाहिए। आपने अगर पहले कोनिंग का काम नहीं किया है तो पहले लिंक पे क्लिक करके कोन बनाने का तरीका और कोनिंग का तरीका ये दोनों सीखें। इन्हें भी हम अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। तो ये ड्राई हो गए हैं तो अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। एक्रेलिक कलर से हम कलर करेंगे। कलर की जो चॉइस है ये आपके ऊपर है, अपने पसंद से कलर कर सकते हैं। मैंने पैटर्न पे ब्लैक कलर किया है क्योंकि मुझे एंटिक दिखाना है। आप चाहें तो नेचुरल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ अलग से क्रिएटिव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक बार कलर करें, ड्राई होने दें, फिर से दोबारा कलर करें। सिल्वर डस्ट और मीडियम 1 दोनों को मिलाकर सिल्वर कलर बनाएं और जो पैटर्न है उसमें सिल्वर कलर लगाकर स्पंज की सहायता से डिज़ाइंस को निकालें। जैसे ही पैटर्न वाला पार्ट ड्राई होता है
तो अब हम अंदर कलर फिल करेंगे। ये भी आप अपने पसंद से, अपने चॉइस से कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। कलर का 2 या 3 कोट करें, 1 कोट सूखने दें, फिर दोबारा कोट करें। 3 कोट के बाद इसमें वार्निश की जरूरत नहीं पड़ती, चमक अपने आप आ जाती है। वॉल पुट्टी से ही पहले ही 2 छोटे छोटे आईज बनाकर रख लें और बाद में फेविकोल से चिपका लें। दोस्तों ये कट मिरर हैं छोटे वाले, और ज़रूरत के हिसाब से क्राफ्ट पे जहाँ भी फिट बैठता हो फेविकोल की सहायता से इसे चिपका लें। ये एसेसरीज मैंने इस्तेमाल किया है, इन्हें शायद लटकन बोलते हैं, इन्हें भी फेविकोल की सहायता से चिपका लें। बर्ड और फिश में एक फैंसी धागे का इस्तेमाल कर जो सेंटर में हुक आपने बनाया था लोहे का, उस पर अच्छी तरीके से बांध दें। तो दोस्तों कार्डबोर्ड से बना ये अनोखा 4D यानी चारों दिशाओं में घूमने वाला वॉल हैंगर तैयार है। मार्केट में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। इन गर्मी की छुट्टियों में आप भी इसे बनाएं और अपने घर को खास बनाएं। मिरर की रोशनी से जगमग करता ये वॉल हैंगर आपको एक नई ऊर्जा देगा। इस क्राफ्ट की ऊर्जा को महसूस करें और खो जाए क्राफ्ट की दुनिया में। इतना भी ना खो जाए कि क्राफ्ट पॉकेट को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। अगर आपने वॉल पुट्टी से पहले काम नहीं किया है और वॉल पुट्टी का क्राफ्ट सीखना चाहते हैं तो वॉल पुट्टी क्राफ्ट के 3 क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है। ये फेसबुक प्राइवेट ग्रुप में है और ये पेड क्लास है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें। इस तरह के बिल्कुल नए और बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर नया क्राफ्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।